मेरी इस वीडियो को बनाने का रीजन मेरे कई सारे रीजंस में से एक है, और मैं कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहता कि ये आइडिया मुझे अभी ही इत्तेफाक से आया। एक्चुअल में ये वीडियो मेरे प्रोडक्शन सेल्फ में काफी समय से रखी हुई थी, मगर मैं बस किसी राइट टाइम का इंतजार कर रहा था, और मुझे ये बहुत ही खराब लग रहा है कि ये वीडियो मैं अभी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। लेकिन उसका भी एक कारण है, मेरी मूवीज की डम और डीप सीरीज में मैंने इस वीडियो को सबसे पहले इसलिए प्रोड्यूस करना सही समझा क्योंकि मैं कुछ लोगों के बीच में मार्वल वाली मेंटालिटी को तोड़ना चाहता था कि मार्वल की मूवीज सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं। उसमें भी अगर कुछ कहानियों को देखें तो उसमें भी कुछ डेप्थ है। अगर मार्वल की कहानी को आप किसी और ही पर्सपेक्टिव से देखें तो कहानी अपने कूल एक्शन सीक्वेंसेस और फली डायलॉग्स के अलावा भी बहुत कुछ कहना चाहती है, मोरली, सोशली और पॉलिटिकली ऑल्सो। और स्पेशली ये पिक्चर अपने हर एक शख्स की लड़ाई को उसके तरफ से दिखाती है, चाहे वो हीरो हो, विलन हो, पास्ट के किंग्स हो या अभी के लीडर्स हो। और आगे बढ़ने से पहले, हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो शुरू करते हैं ये कि मार्वल की ब्लैक पैंथर एक्चुअल में स्मार्ट है या सेंसलेस। तो इस कहानी को समझने से पहले मैं आपको एक मोटी मोटा हिसाब बता देना चाहता हूँ कि ये कहानी पर्पसली ब्लैक और व्हाइट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है, क्योंकि मूवी के शुरू ही होते पहले हमें वकांडा की हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। उसके बाद कहानी सीधे 1992 में शिफ्ट हो जाती है, जहां एनजोबू आर्म्ड असॉल्ट की तैयारी कर रहा था कैलिफोर्निया में। अब तुम सोच रहे होगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि 1991 में रोडी किंग पुलिस ब्रुटैलिटी के शिकार हुए थे, जिससे पूरे कैलिफोर्निया में पब्लिक प्रोटेस्ट और राइट्स चालू हो गए थे, और इसी सब कहानी में एनजोबू भी शामिल होने वाला था। मगर उसके साथी जूरी के धोखा देने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि एनजोबू भी अपने देश वकांडा को धोखा दे रहा था। अब ये कॉन्वर्जेशन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पूरी पिक्चर इसी कॉन्वर्जेशन के आधार पे एक्ट करती है। एनजोबू जब से अमेरिका आया था एज अ जासूस बनके, तो उसने देखा कि उसके जैसे कितने लोग सफर कर रहे हैं। एनजोबू ने ही कहा, जब से यहाँ आया हूँ तब से देख रहा हूँ, हमारे लीडर्स को मार दिया जाता है, नौजवानों को नशे और हथियारों की लत लगा दी जाती है, बात बात पर हमें काल कोठरी में ठूस दिया जाता है। पूरी दुनिया में हमारे लोग जुल्म सहते हैं क्योंकि हमारे पास पलट कर वार करने के लिए हथियार नहीं है। और इस बात से टिचाका बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, वो अब भी आइसोलेशन इज में बिलीव करता है, जैसे कई सौ सालों से उसके पूर्वज बाकी दुनिया से छिपके जी रहे थे। एनजोबू अपने जैसे लोगों के लिए स्टैंड लेना चाहता था, मगर उसका यह सब ठीक करने का तरीका सही नहीं था। अब इस बात को समझने के लिए उसने आगे अपना एक अलग ही ओपिनियन रखा और कहा, वाइब्रेनियम की ताकत से हम एक एक देश का तख्ता पलट सकते हैं और ईमानदारी से उन पर हुकूमत कर सकते हैं। मगर टीचा का ऐसा नहीं चाहता था, ऑब्वियसली उसके मोटिव्स बाकी दुनिया को अनदेखा करना था, मगर एक पीसफुल वे में। मगर एक हस्तक्षेप में एनजोबू मारा जाता है अपने ही भाई के थ्रू। टीचाका को थोड़ी तकलीफ तो होती है, मगर उसने अभी एक गलती कर दी कि एनजोबू का बेटा एनजादाका को, आल्सो नोन एज एरिक किलमोंगर स्टीवेंस, को वहीं छोड़ दिया, उस बच्चे को वहीं छोड़ दिया। पता नहीं टीचाका बाकी दुनिया में अपने जैसों पे अत्याचार को देख रहा होगा कि नहीं, मगर उस समय अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए अच्छा नहीं था, स्पेशली अमेरिका में एज डिपिक्टेड इन मूवी। अब किलमोंगर ने भी बचपन से अपने जैसों पे अत्याचार होते देखा है, वो भी बहुत बुरा वाला, जो कि उसके इसी डायलॉग में पता चलता है। मेरे लिए रोग है नहीं, हर कोई मरता है, यहाँ तो रोज की बात है। अब इस बात से ये बात तो पता चल रही है कि किलमोंगर का अपने जैसों की ऐसी हालत देख के वो भी कुछ हार्ड स्टेप्स लेना चाह रहा था, जैसे उसके फादर्स ने लिए थे। अब इधर मेरे को एक शेक्सपियर वाला कोट याद आ रहा है, पता नहीं किसी बुक का था, मगर उसने ये कहा था, द सिंस ऑफ द फादर कम्स टू डिफाइन देयर चिल्ड्रन। अब ये कोट टिचाला और एनजादाका के ऊपर परफेक्टली बैठता है, क्योंकि दोनों ही कजिन्स अपने फादर्स से प्रेरित थे। एक शख्स जो अपने फादर और उनके फादर की लेगेसी को बरकरार रखना चाहता था, तो उसने कभी भी वकांडा के आइसोलेशनिज्म और जातीयवाद कानून को नहीं तोड़ा, और उसी के बनाम अपोजिट एनजादाका अपने फादर की लेगेसी को अपनाना चाहता था, वो भी उन्हीं की तरीके से जिसमें वॉयलेंस इन्वॉल्व था। अब एक तरीके से देखे तो एनजादाका की कोई गलती भी नजर नहीं आ रही थी, उसकी अपब्रिंगिंग ही पॉवर्टी में एज एन अफ्रीकन अमेरिकन ऑर्फन के रूप में हुई थी, वो भी उस समय जब पूरी दुनिया में रंग भेद को लेकर काफी टेंशन था, वो भी बहुत बुरा वाला। तो किलमोंगर की लाइफ भी बहुत ही मुश्किलों से बीती है, उसने वो सब देखा है, वो भी अपने बचपन में, जो उसे नहीं देखना चाहिए था उस समय। टिचाला की तरह सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुआ था, कड़वा है मगर सच है। अब देखो आगे चल के अगर सीरियस दिमाग लगा के देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि किलमोंगर अपने बाप का बदला नहीं चाहता था, उसे पता था कि किसने उसके बाप का कत्ल किया है, मगर वो अपने बाप की रिवेंज के बदले पूरी दुनिया से रिवेंज चाहता था, ऐसा उसका सोचना है, क्योंकि किंग बनने के बाद मूवी में उसने ये डायलॉग बोला है, आप लोग यहाँ मजे कर रहे हो, अच्छा लगता होगा ना, दुनिया में 200 करोड़ लोग हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, पर उनकी जिंदगी हमसे कहीं मुश्किल है, वकांडा के पास ताकत है उनके दुख दूर करने की। तो भाई यहाँ पता चलता है कि किलमोंगर पूरी दुनिया से रिवेंज लेना चाहता था,
मगर ठीक जैसे टिचाका की जैसी सोच थी, टिचाला भी वो नहीं चाहता था। वो एथनोसेंट्रिज्म और पीसफुलनेस वाला है, और ये वो आगे बोल के वो साबित भी करता है। तो क्या सब लोग तुम्हारे अपने नहीं हुए? मैं सारी दुनिया का सम्राट नहीं हूँ, मैं सम्राट हूँ तो सिर्फ वकांडा का। और अभी भी हमें टिचाला के पर्सनालिटी में यह सब देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी लीडरशिप के बर्डन से जूझ रहा है, क्योंकि अपने इसी सीन में हमें यह देखने को मिलता है। तुम रेफ्यूजीज को अंदर लाओगे, वो अपनी मुसीबतें भी साथ लाएंगे, वकांडा बाकी देशों जैसा हो जाएगा। मगर आगे ही वकाबी ये सब भी बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी और मेरी फौज चाहिए कि तुम बाकी दुनिया की गंदगी साफ कर सको तो मैं हाजिर हूँ। मगर यहाँ हमें टिचाला की भी नियत का पता चलता है और वो कहता है, वकांडा की आदत नहीं है किसी पर हमला करना, किसी को नुकसान पहुंचाना। अब इस बात से हमें ये पता चलता है कि टिचाला अभी भी अपने नेशनलिज्म वाले एजेंडे से जुड़ा हुआ है, एक शांति प्रिय व्यवस्था बनाए रखने के लिए। मगर मूवी में आगे जब टिचाला और किलमोंगर के बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब जाके इन दी एंड सम्राट उसके ऑफर में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं, मगर एक अलग ही पर्सपेक्टिव से। वो दुनिया की सच्चाई जानता था, वो अपने पूर्वजों की तरह ब्लाइंड नहीं होना चाहता था कि जो गलतियां उन्होंने की वो उसे बनाए रखे। तो जब टिचाला मबाकू की प्लेस पे अपना रिचुअल कंप्लीट करता है और जब वो अपने एंसेस्टरल प्लेस पे होता है, तब वो एज अ ट्रू किंग की तरह डिसीजन लेता है कि जो भी उसके डिसेंडेंट्स ने किया सब गलत था, इंक्लूडिंग हिज फादर आल्सो। पूरी दुनिया के सामने पीट करके खड़े हो गए, एंड फॉर रियल, दुनिया के नजरों में बुरा बनने के डर से उनके पूर्वजों ने वो किया ही नहीं जो उन्हें करना चाहिए था। मगर टिचाला कहता है अब और नहीं। अब टिचाला समझ चुका था कि एज अ किंग की तरह उसे कैसे डिसीजन लेना है। वो जानता था कि उसके कजिन ने जो सब झेला है वो सब जायज है, लेकिन उसका तरीका गलत है। वो कलर ब्लाइंड होकर डिसीजन नहीं लेगा और ना ही विरोधाभास का फैसला अपनाएगा। वो अपने जैसों के लिए खड़ा होगा, मगर एंजादाका के तरीके से नहीं। तो फिर भी इन सबका घुमा फिरा के कंक्लूजन क्या निकलता है? पिक्चर का मेन कॉन्फ्लिक्ट बस यहीं पे आता है, अ डिजायर फॉर रिवेंज वर्सेज अ डिजायर टू मेंटेन व्हाट वन हैज। अब हिंदी में मतलब कि बदला लेने की इच्छा वर्सेज बनाए रखने की इच्छा। अब किलमोंगर का दोष सिर्फ और सिर्फ इतना था कि उसके चरित्र में अमेरिकन सोसाइटी और मिलिट्री के एक्सपीरियंस नजर आते थे जो उसने बचपन से झेले हैं। जैसा मूवी में डिपिक्ट किया गया है कि अमेरिकन सोसाइटी ने उसे सिर्फ वॉयलेंस सिखाया और कैसे यह वॉयलेंस चीजों को सही करता है, ऐसा मूवी में हमें देखने को मिला है। और उसके मूवी का लास्ट डायलॉग जहां उसने कहा मरते हुए, दफना दो मुझे समंदर में, मेरे पुरखों के साथ जो जहाजों से कूद के मर गए, क्योंकि वो जानते थे गुलामी से मौत बेहतर है। अब इस डायलॉग ने सब कुछ बदल के रख दिया। टिचाला एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप लेता है और किलमोंगर के मोटिव्स को फॉलो करता है किसी और ही रास्ते से, अपने गर्लफ्रेंड नाकिया के साथ। और आगे चल के टिचाला ने वकांडा इंटरनेशनल आउटरीच सेंटर खोला, जो आगे चल के असामाजिक संबंधों को सुधारने के लिए सहयोग करेगा। अब टिचाला ने अपने कजिन का दर्द समझा, अपने जैसों का दर्द समझा, और एज अ फिक्शनल लीडर ने स्टैंड लिया। अब देखो, ये बातें हम इंडियंस ने भी झेली हैं, तो हम इन बातों से कुछ कनेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि इंडिया में भी पहले कॉलोनाइजेशन, स्लेवरी और रेडलाइनिंग थी, और हमारे पूर्वजों ने ये सब झेला है, मगर उनके कॉन्क्रीट एक्शंस और कॉन्टिन्यूअस सैक्रिफाइसेस से आज हम आजाद हैं। खैर, इंडियन हिस्ट्री के बारे में आप मुझसे ज्यादा अच्छा जानते होंगे, मैं तो सिर्फ इस मूवी के बारे में बता रहा था। तो भाई, अब तो मेरे को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि पिक्चर कितना डीप है और मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट मीनिंगफुल मूवीज में से एक है। मगर आप क्या सोचते हैं? अब जो ये लॉस हमारा हुआ है उसे बेयर करना काफी तकलीफदायक है, जिसे बयान नहीं किया जा सकता। मगर आप ब्लैक पैंथर के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं? एज अ फैन, आप क्या क्या सजेशन होगा मार्वल के लिए कि ब्लैक पैंथर और चैडविक बोसमैन की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर इसे ऐसे ही रहने देना चाहिए? आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखिए कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पर नए आगे हो कहीं से भी तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए PJ Explained।